मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्यवाही को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खास तौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी भी हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे, सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से, जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए
निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहाँ पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।